आदित्य नारायण ने फाइनली रिवील किया है कि वो क्यों करते थे के साथ फ्लर्ट। Hello, this is Lisa Gangwani. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि भाई अब शादी शुदा हो चुकी नेहा कक्कड़ कभी सुर्खियों में थी क्योंकि आदित्य नारायण उनके साथ फ्लर्ट करते थे और ये दोनों कहीं ना कहीं बंधने वाले थे शादी के बंधन में तो उसका पूरा क्या उस, इस सीन के पीछे क्या राज था इसका हो चुका है खुलासा और खुद आदित्य नारायण ने दिया है ये इंटरव्यू जहां पर वो बता रहे हैं कि भाई ये सब कुछ एक शो के लिए होता था मैं जिस भी शो को करता हूँ एंकर में जिस भी शो को करता हूँ होस्ट तो वहां पर जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट या फिर सेलिब्रिटी जज होती है उनके साथ करता हूँ फ्लोट तो भाई आदित्य नारायण पहुंचे थे कपिल के शो पर वहीं पर ये सारे खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं आदित्य नारायण बता रहे हैं कि ये सब कुछ टीआरपी के किया गया था जहां पर नेहा कक्कड़ को वो खूब सारा छेड़ते थे उनके साथ करते थे फ्लर्ट और यहां तक कि उनकी शादी भी रचा दी गई थी शो पर टीआरपी की वजह से इंडियन आइडल को करते थे आदित्य नारायण होस्ट और नेहा कक्कर थी उस शो की जज और ऐसे में इन दोनों की जो केमिस्ट्री बनती थी जो इक्वेशन नजर आती थी शो पर वो काफी पसंद आती थी, थी लोगों को जिसकी वजह से टीआरपी को बढ़ा कर रखने के लिए टीआरपी मीटर को हाई रखने के लिए ये जो पूरा इनका सीन था शादी का रचा गया था तो हम आपको बता दें कि आदित्य नारायण और नेहा कक्कर के बीच में कभी भी कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था ये सिर्फ एक शो के लिए स्क्रिप्टेड रोमांस इन दोनों ने किया था साथ ही अब नेहा तो बंध चुकी हैं शादी के बंधन में रोहनप्रीत के साथ और आदित्य नारायण भी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ एक दिसंबर को श्वेता के हो जाएंगे आदित्य नारायण और इस बात को लेकर वो बहुत खुश हैं उनके पांव जमीन पर नहीं रुक रहे हैं और कपिल के शो में जब पहुंचे तो इस बात की खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने ये किस्सा भी सुना डाला तो भाई कैसा लगा आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लिखकर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में साथ ही चैनल देखते रहिए क्योंकि भाई ऐसी खबरें आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है सिर्फ यही मिलने वाली है